हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नासा नासा NASA नासा नासा क्या है? नासा है USA की स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी यानी जो हमारे स्पेस में काम करती है, जैसे कि हमारे सन को अर्थ ऑब्जर्वेशन करना, ये सब इसका काम होता है। और देखो, नासा के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। और इसमें आगे देखिए, नासा नासा का ये उसका लोगो है, आपके सामने लोगो दे रखा है, बहुत ही मस्त। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। प्रेसिडिंग एजेंसी, एजेंसी क्या है? प्रेसिडिंग यानी कि इसकी कोई एक एजेंसी है, जैसे अपने भी इसरो की कई सारी एजेंसी हैं जो इसका काम करते हैं। ठीक है, इसकी एजेंसी क्या था? 1915 से लेकर 1958 तक थी। फाउंडर कौन है इसका? ड्विंडलिंग डी स्टेनो होवर। ड्विंडलिंग डी स्टेनो होवर क्या ये प्रेसिडेंट है USA के 34 नंबर के, उनके टाइम पर ये नासा स्टेब्लिश हुआ था, यानी फाउंडर हुआ था। फाउंडिंग डेट इसकी क्या है? 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जब ये फाउंड हुआ था 29 जुलाई 1958, और 1958 में ये स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूँ, हमारा DRDO भी इसी टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था। DRDO 1958 में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसको देखो, एजेंसी जो फॉर्म 19 ये मैंने बताया ना आपको, यह हुआ था 1958 में। 61 ईयर इसको हो चुके हैं। प्रेसिडिंग ये है इसकी, और जुडिशियन इसका US फेडरल गवर्नमेंट है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहाँ, वॉशिंगटन DC USA में। इसका मोटो क्या है? मोटो इज द फॉर द बेनिफिट टू ऑल, यानी बेनिफिट टू ऑल एम्प्लॉय। यहाँ पर देख लो कितने एनुअल बजट इनका कितना, देखो 22.629 बिलियन 2020 का ये बजट है इसका। इसकी एजेंसी इज एग्जीक्यूटिव कौन है? जिम ब्रिंडस्टाइन एडमिनिस्ट्रेटर इसके, और जिम्स मोनहार्ड डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इसके। चीफ कौन है इसका? चीफ फाइनेंस ऑफिसर है जेफ डिविट। ठीक है, आपको अब इनकी कुछ तस्वीरें दिखा दूँ तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो मैंने बताया। ये 13वें नंबर के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के, एडमिनिस्ट्रेटर जिनके कहा है जिम फेडरिक ब्रिड डेनस्टाइन। उनका जन्म हुआ था 15 जून 1975 में। अमेरिकन पॉलिटिकल इन द एडमिनिस्ट्रेटर नासा के, ये है 13वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, नाम दिखाया था, वो देख लीजिए, इनकी ये तस्वीर है। आगे देखते हैं आगे, ये मैंने बोला था ना 34 नंबर की US प्रेसिडेंट है जिनके टाइम पर ही नासा स्टेप फाउंड हुआ था। ये रहा नासा फाउंड हुआ था, इनका क्या है? ड्विंडलिंग डिव इल्की इसने होवर नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1890 में, और मार्च 28 1969 में इनका देहांत हो गया था। और 69 में हमारा क्या हुआ था? इसरो इस्टेब्लिश हुआ था हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो इनके फर्स्ट जो होते फर्स्ट, जैसे नासा का जो पहला बना था ना जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये है। इनका नाम देखो क्या है, इनका नाम है टी थॉमस। इनका नाम है टी थॉमस केनेथ जेनिन। वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द, ये कहा ना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये पहले ही थे हमारे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्टेब्लिश है ना 19, देखो इस टाइम पर स्टेब्लिश 1958 1 अक्टूबर 1958 में अंडर द नेशनल एरोनॉटिक स्पेस 1958 एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर गैलन हाफिड इज द साइंटिफिक इंजीनियर है ये, टेक्निकल एंड द एम्प्लॉय इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैटर। इन द पोजिशन ही वॉज द मेम्बर ऑफ द प्रेजिडेंट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस काउंसिल। ठीक है, ब्रॉन इन एड्रिलिन नॉर्थ डोकाटा इन सितंबर 8 1905। मिस्टर गैलन अर्न अ डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ द सिफ्टी द साइंटिफिक, ये येले यूनिवर्सिटी से हो गया। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो मैंने लिख रखा है 29 अगस्त 1958 में ये हुए थे, और 20 जनवरी 1961 में इन्होंने इस नासा को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे आगे कुछ नहीं है, आपको सारे पॉइंट यहीं से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे पॉइंट बता दिए मैंने।
नासा के, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब इसकी क्या हुआ था, कब इसने खोजा। अभी इसका एक काम था, अभी इसने क्या करा है, अभी इसने एक मिशन, इसका एक मिशन है जो अभी इसने सन का सन सन राइज ऐसे एक मिशन है जो अभी करंट में इसका आया है, जो हमारे जो सन पे देखा है, जैसे सन पे कुछ हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो वहाँ पे क्या जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह कुछ भी हो रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए इसने एक मिशन स्टार्ट करा है, वो लगभग 2023 में इसका मिशन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, नासा क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार आप इसका करंट का जो कोई भी आप देख लेना न्यूज़, वो मिल जाएगी आपको। सनराइज ऐसे कोई एक मिशन है जो अभी इसे बोला है वो अब करेगा सन के ऊपर रिसर्च वगैरह करने के लिए। ठीक है, आप चेक कर लेना, और आप बाकी हो तो मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में बता दीजिए मुझे, तो मैं आपको उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू गाइस।